आप देख रहे इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है माना जा रहा है कि अगले दो से तीन घंटे में ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसे कितनी सीट मिल रही है लेकिन अब तक जो रिजल्ट सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं सबसे ज्यादा चौंकाया है उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश देश का प्रधानमंत्री बनाता है उत्तर प्रदेश ही कि को 400 तो किफी को 300 तक पहुंचाता है लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में ही फंस गई बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि इस बार 80 में से 80 सीटें जीतेंगे लेकिन बीजेपी करीब-करीब जितनी सीटें पिछली बार जीती थी उससे आधी सीट ही जीतती दिख रही है बीजेपी को उम्मीद बंगाल से थी लेकिन बंगाल के वोटर्स ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया 2019 में 18 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार केवल 11 सीट पर आगे चल रही है बीजेपी को दक्षिण से भी आस थी तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ा लेकिन सीट नहीं मिली तेलंगाना में भी बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ गई लेकिन ओडिशा में बीजेपी को बढ़त मिली ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनती भी दिखाई दे रही है कर्नाटक में भी पिछली बार की तुलना में बीजेपी को करीब नौ सीटों को का लॉस होता दिखाई दे रहा है लेकिन सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लूज की है और ऐसा घटाव यहां पर हुआ है इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई पूरे देश में कहीं से भी नहीं हो पा रही है उत्तर प्रदेश में पिछली बासठ सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार केवल चौसठ सीटें ही जीतती दिखाई दे रही है आखिर उत्तर प्रदेश बीजेपी क्यों हार रही है वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने उनके अगेंस्ट काम किया है क्या वो अग्निवीर योजना है क्या बेरोजगारी वाला बात महंगाई वाली बात जो लगातार विपक्ष कह रहा था वो दरअसल जमीनी हकीकत थी और लोगों को परेशान कर रही थी सरकार के प्रति अगर ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा गुस्सा था तो क्या वाकई में ये था या नहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर अच्छा चुनाव लड़ा इसमें कोई दो राय नहीं अखिलेश यादव का एम वाई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ साथ पीडीए वाला समीकरण भी चला यानी कि पिछड़ा दलित आदिवासी मुस्लिम और यादव ने समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट किया साथ ही ओबीसी की अन्य जातियों का भी अखिलेश यादव को साथ मिला मायावती के दलित वोटर्स के साथ अखिलेश को मिला यानी आप ये समझिए एक तरफ मुसलमान वोटर एक तरफ यादव वोटर जो नॉन जाटव वोटर है उनका भी साथ अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी को मिल गया हम एक एक करके आज जाति आधारित चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाकई में चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रही थी वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है सबसे पहले हम यादव सीटों की बात कर लेते हैं वो सीटें जहां पर यादवों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया ये पहले से तय था समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी तो उन सीटों पर आप देखें सपा सीधा सीधा दस सीट पर लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं दो सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है और एक सीट ऐसी जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है हम पहले यादव जाति की बात कर लेते हैं देवेंद्र ये तो पहले से तय था ना कि यादव जाति वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी लेकिन नुकसान तब हो गया जब यादव जाति के साथ साथ मुसलमान ओबीसी नॉन जाटव ये सब भी टूटे हैं बिल्कुल मीनाक्षी यादव और मुस्लिम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उनके अंदर वो एग्रेसिवनेस वैसे ही था कि सपा के साथ रहना है मुसलमानों के अंदर था कि बीजेपी को हराना है यादवों के लिए था कि सपा राज राजको तौर पर वो देखते हैं समाजवादी पार्टी की सफलता को और उस रूप में लाना है नुकसान बड़ा वही हुआ कि ओ की बाकी जो दूसरी जातियाँ हैं बीजेपी उनको नहीं संभाल पाई और नहीं संभालने के पीछे वजह ये थी कि 2019 के चुनाव से अगर तुलना करें तो जो राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव था ना 2019 में पुलवामा के बाद उस नैरेटिव में जो कास्ट के बैरियर्स हैं वो उस रूप में चटक नहीं होते उस रूप में डोमिनेट नहीं होते प्रोवाई नहीं होते वो इस बार था नहीं और इस ये बड़ी वजह है जिसके चलते आपने देखा कि न सिर्फ स्टेट वाइज बल्कि कंस्टिट्यूंसी वाइज जातियों का जो वोटिंग पैटर्न था वो बड़ा अलग नज़र आया जैसे एक किसी कंस्टिट्यूंसी में कोई जात अगर किसी पार्टी के साथ है तो अगली में वो उससे बदल जा रही है और जब जब जातियों पर चुनाव होता है बीजेपी के लिए वहाँ समस्या होती है और खासतौर तो पर तो उत्तर प्रदेश अगर बिहार की बात कर लें तो जब भी जातियों को लेकर समस्या होती है और इस बार तो आरक्षण वाले मसले ने सीधे बिहार के दो के विधानसभा चुनाव की याद दिला दी 2015 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा कि वहां पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तब उधर थे उन्होंने एक पूरा नैरेटिव ही चलाया कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था 2014 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पे थी और 15 में विधानसभा में उसे वो लोग कैश नहीं कर पाए

कैराना हो गाजीपुर हो जहाँ से अंसारी हो हो या इकरा हसन हो, सब, के सब आगे आगे चल चल रहे रहे हैं हैं और अच्छे खासे लीड के साथ देखिए इस समय हम बीजेपी ऑफिस में हैं और यहाँ सुबह से एक ट्रक आई हुई है जिसमें सामान था मंच बनाने का तो वो ट्रक वैसी खड़ी है मंच यहाँ पर नहीं बनाया गया है अगर आप बीजेपी ऑफिस आएंगी तो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के नेता कम हैं मीडिया के लोगों का ज्यादा यहाँ जमावड़ा है तो जो तैयारी थी कि जश्न यहाँ मनाया जाएगा वो जश्न फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल शांति है समाजवादी पार्टी में जरूर एक तरह का नया जोश आ गया है वहाँ लड्डू भी बांटे जा रहे हैं कांग्रेस के जो ऑफिस है वहाँ भी खुशी मनाई जा रही है अब जहाँ तक आपने मुस्लिम और यादव वोट की बात की मीनाक्षी देखिए एक बात अखिलेश यादव ने ये बात समझी कि आप पहले की लिस्ट अगर समाजवादी पार्टी के देखेंगी तो उसमें आप देखती थी कि मुस्लिम और यादव कैंडिडेट बहुत होते थे लेकिन अब अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि हम मुस्लिम यादव कैंडिडेट उतारे या ना उतारे मुस्लिम वोट और यादव वोट हम ही को मिलने वाला है 2022 में हमने देखा कि मुसलमानों ने एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया उनका वोट बीएसपी कांग्रेस बहुत कम गया कहीं कहीं कांग्रेस को गया था जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ था इसी तरह से 2019 में भी मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिला था तो एक नई तरह की जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने की कि सिर्फ पांच यादव उतारे और चार मुसलमान उतारे उसका फायदा आपको मिल रहा है ठीक कह रही हैं रुचि है। शांतनु जी सहारनपुर केराना मुजफ्फरनगर बिजनौर नगीना